नमस्कार, आप देख रहे हैं पद्मेश 24/7 कृष्णा संडे के साथ। बुलेटिन की शुरुआत करते हैं हेडलाइन से। जिला पंचायत के नव निर्वाचित जन प्रतिनिधियों ने ली शपथ। पूर्व विधायक अशोक सिंह सरसवार ने कौशल शंकर बिसेन और आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे के समारोह में नहीं पहुंचने पर जताया दुख। निजीकरण के खिलाफ विद्युत कर्मचारियों ने की हड़ताल। जिले भर के बंद रहे विद्युत कार्यालय। कटंगी नगर परिषद में भाजपा का कब्जा। योगेन ठाकुर बने अध्यक्ष और धर्मकला देशमुख बनी उपाध्यक्ष। सावन मास के अंतिम सोमवार पर शिवालय में उमड़ी श्रद्धालुओं की भीड़। मंदिरों में हुए विविध कार्यक्रम। अपनी विभिन्न मांगों को लेकर पीजी कॉलेज में विद्यार्थियों ने कॉलेज में जड़ा ताला। कॉलेज प्रबंधन पर लगाए अनदेखी का आरोप। बालाघाट सिवनी राजमार्ग व लालबराज से समनापुर पहुंच मार्ग के नगर मुख्यालय स्थित बस स्टैंड के सामने बने गड्ढे में 8 अगस्त के शाम 6 बजे से रेत से भरा डंपर गड्ढे में फंसने के साथ ही खराब हो गया। हाईवे रोड के बीचों बीच डंपर खराब हो जाने के कारण आधे घंटे तक आवागमन बाधित रहा। मार्ग के दोनों ओर वाहनों की लंबी कतारें लग गई, जिसके कारण मार्ग से गुजर रहे राहगीरों व आमजनों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। हाईवे मार्ग के बीच मार्ग में डंपर खराब हो जाने के कारण यातायात प्रभावित हो रहा था, जिसको देखते हुए पुलिस प्रशासन के द्वारा तत्काल पहुंचकर दूसरे डंपर की मदद से पीछे से उसे धक्का देकर आगे बढ़ाकर थाने के सामने बंद हो चुके डंपर को खड़ा करवाया गया, जिसके बाद आवागमन प्रारंभ हुआ। आपको बताया कि बालाघाट से सिवनी व लालबरा से समनापुर मार्ग में जगह जगह गड्ढे बन चुके हैं। साथ ही लालबरा बस स्टैंड के सामने वाले मिलने वाले दो हाईवे रोडों के बीच में गड्ढा हो गया है और समनापुर से लालबरा व सिवनी की ओर जाने वाले बड़े वाहन जब वहां से गुजरते हैं तो गड्ढे बने होने के कारण ओवरलोड वाहन में उसे मोड़ने में परेशानी होने के साथ वे गड्ढे में फंस जाते हैं। यहाँ जाम का है, आए दिन रोड छोटी है और 40 साल पहले की रोड बनी हुई है। ना सरकार का ध्यान है ना और किसी का ध्यान है, ना यहाँ के सांसद भी आए कोई ध्यान दे रहे हैं। अब 40 साल पहले की रोड बनी हुई है, पब्लिक बढ़ रही है, गाड़ियाँ बढ़ रही है, तो रोडें तो बनना चाहिए ना, चौड़ीकरण होना चाहिए। हाँ बिल्कुल चौड़ीकरण होना चाहिए। जब तक चौड़ीकरण नहीं, पब्लिक बढ़ गई है। 40 साल पहले की रोड बनी हुई, 40 साल में कितनी पब्लिक बढ़ गई, इस बात का ध्यान नहीं है। वाराणसी नगर के कमला नेहरू शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय से सोमवार की शाम को घर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई। यह जागरूकता रैली विद्यालय प्राचार्य एवं शिक्षकों के नेतृत्व में निकाली गई, जिसमें विद्यालय के समस्त छात्राएं साइकिल से व शिक्षक शिक्षिकाएं मोटरसाइकिल से हाथों में तिरंगा लेकर विद्यालय से रैली निकाली गई, जो नगर के दीनदयाल चौक से वापस बस स्टैंड, जयस्तम चौक, नेहरू चौक से वापस लालबरा रोड से पशु चिकित्सालय होते हुए कमला नेहरू स्कूल पहुंची, जहां पर रैली का समापन किया गया। इस दौरान विद्यार्थियों के द्वारा भारत माता की जय, वंदे मातरम जैसे विभिन्न प्रकार के नारे के उद्घोष लगाए गए। पद्मेश 24/7 से चर्चा में शिक्षक प्रवीण मालाधारी ने बताया कि शासन के द्वारा मनाए जा रहे आज़ादी के अमृत महोत्सव के अंतर्गत घर घर तिरंगा अभियान के तहत जागरूकता साइकिल रैली निकाली गई थी। ये आज़ादी के अमृत महोत्सव के का अभियान के तहत शासन के निर्देश अनुसार आज जन जागरूकता के संबंध में जन जन के प्रचार प्रसार हेतु आज हमारे साला परिवार की ओर से सभी बच्चों के साथ में कक्षा 9वीं से 12वीं तक के सभी बच्चों के द्वारा साइकिल रैली निकाली गई और सभी जन जन में ये जागरूकता फैलाई गई कि हर घर तिरंगा के तहत सभी लोग सभी घर में 13 तारीख से लेकर के 15 अगस्त तक सभी लोग अपने अपने घर में ध्वजारोहण करें। सरकार ने शासकीय विद्युत वितरण कंपनी को निजी हाथों में सौंपने का खाका तैयार किया है, जहां न केवल बालाघाट जिला, न केवल मध्य प्रदेश, बल्कि देश भर की सभी विद्युत वितरण कंपनी को निजी हाथों में सौंपने की योजना बनाई है, जिसका बिल केंद्र सरकार के द्वारा सोमवार को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के नाम से पेश किया गया। इसके विरोध में मध्य प्रदेश यूनाइटेड फोरम फॉर पावर एम्प्लॉयज यूनियन ने सोमवार को अभियंता कार्यालय में एक बैठक का आयोजन कर इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का पुरजोर विरोध करते हुए केंद्र सरकार के खिलाफ जमकर नारेबाजी की, जहां उन्होंने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 का विरोध करते हुए उसे तुरंत वापस ले जाने की मांग की, तो वहीं विद्युत कंपनी को निजीकरण से दूर रखने की बात कही। हड़ताल पर गए इन अधिकारी कर्मचारियों ने कार्यालय का काम काज बंद कर इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर किसी भी प्रकार की अन्य सेवाओं से अपने आप को पृथक रखा। वहीं इस बिल के लोकसभा में पास होने पर अपनी इस एक दिवसीय हड़ताल को अनिश्चितकालीन हड़ताल के रूप में बदलने की भी चेतावनी दी।
हड़ताल पर बैठे इन अधिकारी कर्मचारियों ने स्पष्ट कर दिया है कि यदि सरकार नहीं मानती है और यह बिल लोकसभा में पास कर दिया जाता है और सरकारी विद्युत वितरण कंपनी को निजी हाथों में सौंप दिया जाता है तो संगठन के समस्त अधिकारी कर्मचारी किसान आंदोलन की तरह लंबे समय तक आंदोलन करते रहेंगे और जब तक उनकी यह मांगें पूरी नहीं होगी तब तक उनका आंदोलन जारी रहेगा। अधिकारी कर्मचारियों की एकता जिंदाबाद। एक जो अपनी जो केंद्र सरकार एक इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 आज लोकसभा में पेश करने वाली है उसके विरोध में आज हम लोगों ने एक दिवसीय कार्य बहिष्कार हम लोगों ने आज रखा है। जैसे कि सर लोकसभा में बिल पेश हो जाता है और लागू हो जाता है तो कब इस ऐसी स्थिति में क्या स्थिति निर्मित होगी और क्या करेंगे आप? अब जहाँ तक अगर ये गवर्नमेंट अगर नहीं मानती है तो जैसे अपना किसान आंदोलन चला था लंबे समय का तो वही हमारी आगे की प्लानिंग रहेगी कि हम उसी तरीके से इसका पूर्ण विरोध करेंगे जब तक ये सरकार हमारी मांगे वापस मांगे माननी देती है। क्या नुकसान है सर इस बिल के? नुकसान तो सबसे ज़्यादा तो उपभोक्ताओं को होने वाला है सबसे ज़्यादा। उसके बाद जो हमारे जो अधिकारी कर्मचारी जो विद्युत मंडल में काम कर रहे हैं उनका भी ये नुकसान होने वाला है। इससे नुकसान होने वाला है कि इसमें निजीकरण को बढ़ावा मिलेगा, निजी कंपनियां इसमें आएगी। जो अभी जो गवर्नमेंट हम लोग अभी जो वर्तमान में जो प्रणाली है कि अभी की इसमें क्रॉस सब्सिडी हम लोग को उपभोक्ताओं को दे रहे हैं जिस कारण उपभोक्ताओं को जो घरेलू उपभोक्ताओं की बात करें तो घरेलू उपभोक्ताओं को बहुत किफायती दर में उनको बिजली मिल रही है। घरेलू उपभोक्ता हो गया जो अपने कृषि के उपभोक्ता हो गए लेकिन जब ये इसमें निजीकरण जब कंपनी आएगी इसमें मेन तो कंपनी तो निजीकरण तो कंपनी वही उन्हीं उपभोक्ताओं को टारगेट करेगी जो ज़्यादा उनको प्रॉफिट दे सकें। तो प्रॉफिट वाली जो उपभोक्ताएं हैं अपने इंडस्ट्रीज के हो गए कमर्शियल उपभोक्ता हैं उनको पहले फोकस करेगी। इससे रहेगा कि हमारी जो एमपीबी की जो आय एकदम से घटेगी और जो उपभोक्ताओं को हम जो सब्सिडी देते हैं क्रॉस सब्सिडी उसका सबसे ज़्यादा नुकसान होगा और ये स्थिति रहेगी कि हमारी जो सरकारी जो कंपनी है उसकी जो आर्थिक स्थिति बहुत ही ज़्यादा खराब हो जाएगी और आगे जाके यही होने वाला है कि फिर ये सीधा सीधा कहीं ना कहीं जो हमारे जो घरेलू उपभोक्ता हैं उन पर डायरेक्ट इफेक्ट आएगा। इसी तरह लालबरा के विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारी 8 अगस्त को कनिष्ठ केंद्रीय कार्यालय के सामने इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 के विरोध में एक दिवसीय हड़ताल कर उन्होंने विरोध प्रदर्शन किया और सरकार से यह बिल वापस ले जाने की मांग की एवं मांगे पूरी न होने पर आगामी समय में अनिश्चितकालीन हड़ताल करने की शासन प्रशासन को चेतावनी भी दी है। विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों के एक दिवसीय हड़ताल पर चले जाने के कारण इमरजेंसी सेवाओं को छोड़कर सभी सेवाएं बंद रही। ऐसी स्थिति में जिस क्षेत्र का ट्रांसफार्मर खराब व बिजली समस्याएं बंद थी उक्त क्षेत्र के निवासरत लोगों को खासी परेशानी का सामना करना पड़ा। चर्चा में विद्युत विभाग के अधिकारी कर्मचारियों ने बताया कि केंद्र सरकार के द्वारा 8 अगस्त को इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल लोकसभा में पेश किया जा रहा है। अगर यह बिल पास हो जाता है तो बिल उपभोक्ताओं के साथ ही अधिकारी कर्मचारियों के लिए नुकसानदायक है। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वापिस लो। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 वापिस लो। यूनाइटेड फोरम जिंदाबाद, फोरम जिंदाबाद, जिंदाबाद। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। शासन तेरी तानाशाही नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट तो किस तरह से परेशानी होगी आप लोगों को? इसमें तो परेशानी कर्मचारियों को भी होगी और उपभोक्ताओं को भी परेशानी उनका सामना करना पड़ेगा। बहुत सारी चीज़ें क्या मांग है आपने? हमारी मांगे तो यह है कि जो निजीकरण किया जा रहा है ये ना हो और भी बहुत सारी हमारी मांगे। तो एक दिवसीय है कि आगे और ये एक दिवसीय आज कार्य बहिष्कार है और जैसे आगे से जैसे ही दिशा निर्देश मिलेंगे उसके अनुसार आगे।
इसी तरह वाराणसी में भी मुख्य अभियंता कार्यालय वाराणसी के प्रांगण में बैठे अधिकारी कर्मचारियों ने अपनी मांगों को सामने रखते हुए बताया कि नेशनल कोऑर्डिनेशन कमेटी ऑफ इलेक्ट्रिसिटी एम्प्लॉयज एंड इंजीनियर्स एवं ऑल इंडिया पावर इंजीनियर्स फेडरेशन ने केंद्रीय विद्युत मंत्रालय को पहले ही नोटिस देख के रखा है। जिस दिन इलेक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2022 संसद में रखा जाएगा उसी दिन 8 अगस्त को देश भर में तमाम बिजली कर्मचारी व अधिकारी इंजीनियर उसी समय काम बंद कर व्यापक विरोध प्रदर्शन करेंगे। आज की हड़ताल किस बाबत की जा रही है? आज की हड़ताल केंद्र सरकार द्वारा विद्युत अमेंडमेंट बिल प्रस्तुत किया जा रहा है उसके विरोध में ये आज का आंदोलन एक लाइटनिंग स्ट्राइक कहना चाहिए इसको। वो केंद्रीय नेतृत्व के निर्देशों पर एवं प्रांतीय निर्देश आह्वान पे किया गया है। ये अमेंडमेंट बिल में आज जो प्रस्तुत किया जा रहा है इसमें कर्मचारी न किसी उपभोक्ताओं से चर्चा की गई है जो उनको करना चाहिए था, किसी से जानकारी नहीं है किसी को भी। और कि आज कंपनी में सब्सिडी मिल रही है, किसानों को सस्ते रेट पे बिजली मिल रही है, जिस दिन ये प्राइवेट कंपनियां आ जाएगी ये पहले तो क्या रहेगी बड़े उपभोक्ताओं को बिजली देगी, उनसे पैसा वसूलेगी और जो मध्यम वर्गीय और निम्न वर्गीय है इनको इनके बिलों की वसूली जब नहीं होगी तो वो कंपनी के कर्मचारियों पर ही बोलेंगे कि आप कुछ नहीं कर रहे हो, आप निकम्मे हो, इसलिए हमको प्राइवेट को देना पड़ रहा है, हम बेच रहे हैं इसको। दूसरी चीज़ यह है कि आज कर्मचारियों की सुविधाओं का कोई उसमें चर्चा नहीं है कि क्या होगा, उनको पेंशन कौन देगा नहीं देगा। ये आपकी जो हड़ताल है ये अनिश्चितकालीन रहेगी? एक दिन का कार्य बहिष्कार है। मध्य प्रदेश पुलिस के महानिदेशक सुधीर कुमार सक्सेना 2 दिवसीय प्रवास पर बालाघाट पहुंचे, जिनके द्वारा बालाघाट में पदस्थ हॉक पोस्ट के जवानों और पुलिस के सुरक्षा कर्मियों का मनोबल बढ़ाने की मंशा से बालाघाट जिले गए 2 दिन तक भ्रमण किया गया। इस दौरान उन्होंने हॉक पोस्ट की चौकी सीतापाला, देवरबेली, टेमनी तथा सीआरपीएफ की चौकी मछुरदा का भ्रमण किया। डीजीपी श्री सक्सेना के द्वारा पुलिस चौकियों का भ्रमण कर वहां पर दस्त पुलिस जवानों की समस्याओं को उन्होंने सुना तथा नक्सल विरोधी अभियान में उनके योगदान की सराहना करते हुए उनसे अपेक्षा जताई कि भविष्य में भी इसी प्रकार के मनोबल एवं उद्देश्य के साथ ही कार्य करते रहे। पुलिस जवानों के द्वारा बताई गई समस्याओं के निदान के लिए उचित प्रक्रिया के साथ ही कार्रवाई करने पुलिस जवानों को आश्वस्त किया गया। चौकियों के भ्रमण के दौरान उनके द्वारा जवानों के किचन, बैरक इत्यादि का बारीकी से निरीक्षण किया गया और जवानों के साथ उन्होंने खाना भी खाया। सोमवार को डीजीपी श्री सक्सेना हकफोस मुख्यालय कनकी पहुंचे और बालाघाट जोन के समस्त पुलिस अधिकारी, पुलिस अधीक्षक सेनानी एवं सीआरपीएफ कोबरा के अधिकारियों के साथ बैठक की। इस दौरान 36वीं वाहिनी विशेष सशस्त्र बल में चल रहे निर्माण कार्यों का अवलोकन भी किया। हाकफोस मुख्यालय कनकी भ्रमण के दौरान सेनानी हाकफोस के द्वारा डेमो दिया गया जिसकी पुलिस महानिदेशक के द्वारा काफी प्रशंसा की गई। सोमवार की शाम को भोपाल के लिए वे प्रस्थान करते समय उपस्थित पुलिस अधिकारियों को संबोधित करते हुए उनसे यह अपेक्षा की गई कि हमारी संपूर्ण बालाघाट पुलिस एवं हाकफोस के प्रयासों से मध्य प्रदेश बहुत जल्द ही नक्सली गतिविधियों पर विराम लगाने में सफलता हासिल होगी। आपको बताया कि 3 दिन पूर्व ही बालाघाट जिले में एक नक्सली वारदात हुई थी। पुलिस मुखबिरी के शक में नक्सलियों के द्वारा एक ग्रामीण की हत्या की गई। संभवतः पुलिस जवानों का मनोबल बढ़ाने तथा उनका हौसला अफजाई करने की मंशा से नक्सली वारदातों पर कैसे अंकुश लगाया जाए दिशा निर्देश देने की मंशा से उनका बालाघाट आगमन होना माना जा रहा है। नगर मुख्यालय स्थित अम्बेडकर गार्डन में क्षत्रिय मराठा कलार समाज की महिलाओं के द्वारा हरियाली तीज के तहत विभिन्न कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जहां गत दिवस भी महिलाओं ने वृक्षारोपण एवं महिलाओं को आगे बढ़ाने और उनके मनोरंजन के लिए विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया गया था, जिसके तहत आज नगर के अंबेडकर गार्डन में डांस प्रतियोगिता, खेलकूद प्रतियोगिता, सावन झूला सहित अन्य कार्यक्रमों के आयोजन किए गए, जिसमें महिला मंडल के सभी पदाधिकारी उपस्थित रहे और सभी ने मनोरंजन के लिए कार्यक्रम में भाग भी लिया। खुद सुनी थी तुमने 5-6 के बाद 10-11 बोले। ओके नेक्स्ट। और हम पिछले 6 वर्षों से इसी तरह सावन झूले का कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं, महिलाओं को घर से निकल करके बाहर आने का मौका देते हैं, महिलाओं को खुलकर जीने, हंसने, बोलने और महिलाएं अपनी प्रतिभाओं को उभारने के लिए उनके लिए विभिन्न प्रकार के डांस, मतलब डांस हुए, गाने हुए और जो भी गेम्स वगैरह यहाँ रखे जाते हैं गीत संगीत के माध्यम से हैं। जो हम लोग ये आज ये है जो सावन का जो माह होता है इसको बहुत ही भगवान भोले की याद करके और हरियाली महोत्सव के रूप में हम यहाँ हर वर्ष।
सोमवार को नगर परिषद कटंगी अध्यक्ष पद के लिए निर्वाचन की प्रक्रिया पूर्ण हुई। भाजपा के अध्यक्ष पद के लिए उम्मीदवार योगेंद्र उर्फ बड्डू ठाकुर को कुल 15 मतों में से 10 मत मिले, तो वहीं कांग्रेस के उम्मीदवार संजय चौक से को मात्र 5 वोट ही मिल पाए। 15 वार्ड वाली नगर परिषद कटंगी में कांग्रेस समर्थित 7 पार्षदों ने जीत हासिल की थी, जबकि भाजपा ने 6 और 2 निर्दलीय प्रत्याशियों को जीत मिली थी। इसके बावजूद भी भाजपा 10 मत लेकर अपनी पार्टी का अध्यक्ष बनाने में पूर्ण रूप से सफल हुई। भाजपा उम्मीदवार की जीत के बाद आयुष मंत्री रामकिशोर कावरे, पूर्व सांसद केडी देशमुख, पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष रेखा बिसेन, सुजीत सिंह ठाकुर ने योगेंद्र ठाकुर को पुष्पहार पहनाकर उसका स्वागत किया। नगर परिषद के उपाध्यक्ष पद पर निर्दलीय भाजपा समर्थित पार्षद धर्मकला कामराज देशमुख ने 6 मत लेकर जीत दर्ज की। परिषद में अध्यक्ष और उपाध्यक्ष पद पर जीत के बाद भाजपा कार्यकर्ताओं ने जीत का जमकर जश्न मनाया और आतिशबाजी की। भाजपा की इस जीत के पीछे कांग्रेस पार्टी के पार्षदों की भी बड़ी भूमिका रही। भाजपा को जीत दिलाने के पीछे मध्यप्रदेश पिछड़ा वर्ग कल्याण आयोग गौरीशंकर बिसेन, पूर्व सांसद केडी देशमुख की रणनीति काम आई। दरअसल कांग्रेस पार्टी के अधिक पार्षद जीतने के बावजूद भी कांग्रेस को हार का सामना करना पड़ा। अलवराज जनपद पंचायत के सभा कक्ष में 8 अगस्त को स्वतंत्रता दिवस पर्व समारोह पूर्वक मनाने के लिए बैठक आयोजित की गई। यह बैठक जनपद पंचायत अध्यक्ष श्रीमती देवलता ग्वालवंशी, उपाध्यक्ष किशोर पालीवाल, तहसीलदार रामबाबू देवांगन एवं अन्य जनप्रतिनिधि व विभागीय अधिकारियों की उपस्थिति में प्रारंभ हुई। इस बैठक में 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर को मनाने पर्व में कौन कौन से कार्यक्रम किस स्थान पर कौन कौन ध्वजारोहण करेगा, इस बिंदुओं पर चर्चा की गई। आपको बता दें कि नवनिर्वाचित जनपद पंचायत के जनप्रतिनिधियों ने अधिकारी कर्मचारी के अनुपस्थित रहने पर नाराजगी व्यक्त करते हुए कहा कि राष्ट्रीय पर्व के संबंध में बैठक आयोजित की गई है, उसके बावजूद भी वे बैठक में उपस्थित नहीं हुए हैं। ऐसे अधिकारी कर्मचारियों पर कार्रवाई करने की बात कही गई, जिसके बाद जिस विभाग के अधिकारी कर्मचारी बैठक में उपस्थित नहीं हुए थे उन्हें नोटिस जारी करने का प्रस्ताव लिया गया। इस संबंध में तहसीलदार रामबापू देवांगन ने बताया कि 15 अगस्त स्वतंत्रता दिवस पर मनाने जनप्रतिनिधियों व विभागीय अधिकारी कर्मचारियों की बैठक आयोजित कर स्वतंत्रता दिवस की तैयारी के संबंध में चर्चा कर कार्यक्रम की रूपरेखा तैयार की गई है। सभी शासकीय व अशासकीय संस्थाओं के संस्था प्रमुख व जनपद में जनपद अध्यक्ष के द्वारा प्रातः 7:30 बजे ध्वजारोहण किया जाएगा। साथ ही यह भी बताया कि जो विभागीय अधिकारी अनुपस्थित है उन्हें नोटिस जारी किया जाएगा। देखिए 15 अगस्त हमारा जो राष्ट्रीय पर्व है स्वतंत्रता दिवस, वो आगामी 1 सप्ताह के बाद मनाया जाएगा और पूर्वों की बाकी जो परंपराएं चलती चली आ रही हैं लालबरा क्षेत्र में, जनपद क्षेत्र में, उसमें गांधी चौक पर ध्वजारोहण और जनपद पंचायत लालबरा में माननीय अध्यक्ष महोदय द्वारा ध्वजारोहण किया जाएगा।
सावन मास के अंतिम सोमवार के अवसर पर दादा कोटेश्वर धाम लांजी में श्रद्धालु भक्तजनों की भारी भीड़ देखी गई। दादा कोटेश्वर के मंदिर में मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और महाराष्ट्र समेत कई जगह से श्रद्धालु भक्तगण पधार रहे। इसके अलावा बालाघाट, बारासुनी, गोंदिया, रजेगांव से आए कांवड़ियों ने दादा कोटेश्वर का जलाभिषेक किया। वहीं मंदिर परिसर में विशाल भंडारे का भी आयोजन किया गया, साथ ही संगीत में भजन का भी आयोजन किया गया। मंदिर परिसर में व्यवस्था बनाने के लिए पुलिस प्रशासन के द्वारा मुस्तैदी से चाक चौबंद व्यवस्था की गई है, जिसके चलते कहीं पर भी अव्यवस्था नजर नहीं आ रही। शुभावेदा स्वस्ति नस्ता रक्षो अरिष्ट नेमि।